अश्विन जडेजा ने तोड़ दिया 48 साल पुराना रिकॉर्ड, चेन्नई में मचा दिया कोहराम। 140 पर गिर चुके थे 6 विकेट, बड़े बड़े धुरंधर पवेलियन लौट चुके थे। पहले ही दिन तय होने लगी थी भारत की हार, दहाड़ रहा था बांग्लादेश, लेकिन फिर अश्विन जडेजा ने कर दिया ऐसा चमत्कार कि पूरी दुनिया ठोंक रही है सलाम। तूफानी शतक ठोंक, 200 रनों की साझेदारी, बनाई टीम इंडिया की इज्जत बचाई। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से दोस्तों अश्विन और जडेजा ने कई सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, और कैसे 140 पर ही जब 6 विकेट गिर चुके थे, सारे धुरंधर जब पवेलियन लौट चुके थे और पहले ही दिन भारतीय टीम की हार तय लगने लगी थी, तब इन्होंने वापसी कराई और क्या कमाल की जीत दिलाई, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम इस समय 2 मैचों की टेस्ट सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही है, जहां पर टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलेगी, उसके बाद यहां पर 3 T20 भी होंगे। लेकिन दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला जो कि चेन्नई में, यहां पर दोस्तों 19 तारीख यानी कि 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच खेला जाना है। अब 19 सितंबर को जब भारतीय टीम ये मुकाबला खेलने उतरी तो टॉस हुआ, तो बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया। एम चिदम्बरम स्टेडियम में सबको लगने लगा कि भारतीय टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन भारत की जल्दी से जल्दी विकेट गिरने लगी। 96 रनों पर यहां पर दोस्तों 4 विकेट हो गए थे और सबको लगने लगा कि अब भारतीय टीम वापसी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर जडेजा और अश्विन ने एक कमाल किया, क्योंकि दोस्तों 5वां और 6ठा विकेट भी 144 रन पे गिर गया था। और उसके बाद दोस्तों जडेजा और अश्विन ने बताया कि क्यों उन्हें भारतीय टीम का सबसे धुआंधार ऑलराउंडर बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर अश्विन और जडेजा ने यहां पर 100 अश्विन ने बनाए और 86 जडेजा ने बनाए, और एक लंबी चौड़ी पार्टनरशिप की और यहां पर बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल अश्विन और जडेजा ने दोस्तों 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसे में दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ यहां पर 144 पर 6 विकेट गंवाने के बाद रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभालकर खेलते हुए पहले अश्विन ने अर्धशतक पूरा किया, इसके बाद जडेजा ने भी 50 ठोका। दोनों ने भारत को मुश्किल से उबारते हुए 150 रनों से ज्यादा साझेदारी की, इसके चलते दोनों ने 20 साल पुराना सचिन तेंदुलकर और जहीर खान का रिकॉर्ड को पीछे कर दिया। 10वें विकेट के लिए हुई थी 133 रनों की साझेदारी। दरअसल दोस्तों अश्विन और जडेजा ने बांग्लादेश के खिलाफ 7वें विकेट के लिए यहां पर सबसे बड़ी साझेदारी की है। इससे पहले 2004 में सचिन और जहीर ने 10वें विकेट के लिए 133 रन जोड़े थे। अश्विन और जडेजा ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दोनों के बीच 159 रनों की ज्यादा साझेदारी हो चुकी है, जो कि अभी भी चल ही रही है। 200 साझेदारी, वो साझेदारी टूटने का नाम भी नहीं ले रही है, और जिस तरीके से दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं दोस्तों 159 तो दूर है। ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में ये भारतीय टीम के दोनों धुरंधर 200 रनों से ऊपर का स्कोर भी खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि अश्विन और जडेजा कितनी अच्छी टेक्निक से खेल रहे हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दोनों 73 और 91 के यहाँ पर दोस्तों एक स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और कोई भी खिलाड़ी किसी भी एक मौके को छोड़ना नहीं चाह रहा है। आप किस पर क्या रहा है कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।